समाचारों की ओर। पारदीस समाज युवा उत्सव समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों पर समाज के लोगों द्वारा किए गए हमले के आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पारदीस समाज के लोगों ने पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग को ज्ञापन भेंट कर निवेदन किया कि मध्य प्रदेश पारदी समाज युवा उत्सव समिति जो कि रजिस्टर संस्था है के नवनिर्वाचित पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष दीपू सिंह पवार एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष बबरू सिंह पवार जो कि सामाजिक कार्य से दिनांक 6 जुलाई को ग्राम रावत स्थित शासकीय स्कूल में समाज के जनगणना का कार्य कर रहे, इसी दौरान समाज के दीनिया पिता रजवानी छिनवाड़ सिंह पिता वमन सिंह दोनों ने समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला कर दिया था, जिसकी लिखित शिकायत के संबंधित थाना बेटमा गए। वहां पर आरोपियों के थाने में की गई, लेकिन बेटमा पुलिस ने आरोपियों के बजाय फरियादियों को ही दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने कहा कि यदि आपने रिपोर्ट लिखवाई तो आप पर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा, और थाने से बिना रिपोर्ट लिखे ही भगा दिया। इसी मामले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए समाजजनों ने ग्रामीण पुलिस महानिरीक्षक श्री अनुराग को ज्ञापन भेंट कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर देवेंद्र सिंह यादव, भूपेंद्र केतके, पारदी समाज के प्रदेश अध्यक्ष दीपू सिंह पवार, बबरू सिंह पवार, कालू भाट, चौहान सिकंदर सोलंकी, बेजू सोलंकी, राजू सिसोदिया, पवन पवार सहित बड़ी संख्या में समाज के महिला पुरुष शामिल थे। मुरैना, भेंट, ग्वालियर, मंदसौर, खंडवा समाज, उज्जैन और सभी जगह से पादरी समाज के लोग और मंदसौर कई जगह से अपनी समस्या बताने के लिए, जो समाज में पुरानी कुरीतियां चल रही हैं कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें जो पंचायत यहाँ जो पुराने समय की बनी हुई है वो लोग नियम लागू करते हैं कि इतने पैसे दो, इतना दंड दो, तो ये सारी कुरूतियाँ खत्म हो चुकी हैं। उसका ही विरोध करने हमारे पवार साहब और ये हमारे सभी साथी सुनील भाई और तमाम साथी यहाँ आए हैं कि ये कुरूतियाँ बंद होना चाहिए। वो अवैध वसूली के रूप में पंचायत पर दंड करते हैं और दंड करके उस पैसे का समाज में कुछ ना करते हुए उसका दुरुपयोग करते हैं, खाते पीते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं, और उन कुरूतियों को बंद किया जाए उसी की मांग को लेकर आज जो है यहाँ पर घेराव करके आईजी साहब जो ग्रामीण हैं अनुराग जी और हमारे देपालपुर के राहुल जी और उनको एसडीओपो सबको यहाँ ज्ञापन दिया है और कहा है कि जो है इस पे कार्रवाई की जाए। जब समाज के लोग गणना करने के लिए जाते हैं पवार साहब तो उनके साथ मारपीट होती है और मारपीट के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, उल्टा इनको बैठा देती है, तो उस पर भी जो है जांच करके उन जो है कार्रवाई की जाए। मामला सामने आया था बेटमा का, जो कुछ लोग नियुक्ति के लिए गए थे वहाँ मारपीट हुई थी, क्या मामला था? जनगणना के लिए वहाँ गए थे पवार साहब हमारे, उनके साथ वहाँ मारपीट हुई और थाने पे बैठा लिया, उसी का यहाँ विरोध है और जो पुरानी कुरूतियाँ हैं उसका विरोध है, उसी को लेकर जांच जो है पुलिस इसमें जांच भी करेगी कि जब ये रिपोर्ट लिखाने गए तो इनके साथ मारपीट हुई तो इनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई बेटमा थाने पे, ये भी मुद्दा है। और जो है आईजी साहब ने हमको सभी समाज के लोगों से चर्चा की और आश्वासन दिया है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, पुरानी कुरूतियाँ हम लागू नहीं होने देंगे, न्याय अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा और पुलिस अपना काम करेगी। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र प्रदेश अध्यक्ष। 12 घटना हुई थी आपके साथ? जनगणना करने गए थे रावत ग्राम में, तो हमारे साथ में बहुत इंसाफी हुई और हमको मारपीट हुई और हमारे लेटर पैक भी फाड़े गए और नायक के खिलाफ ही आने, नायक आने के जो नायक है ना वो लूटमारी का काम कर रहे हैं, उसको यानी के ख़त्म करने चाहते हैं। और सभी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हम 12-12 जने की गांव सुधार के लिए हमने बनाने का यानी के आगे जागरूक करने का लक्ष्य लिया गया है हमने। वो नायक का नाम क्या है? नायकों के नाम तो बहुत सारे गांव-गांव में एक एक दो दो चार चार नायक है, ठिकाना नहीं है गांव, नायक तो सभी गांव में है, पर गांव में वो जो जो लुटेरे नायक है वो ही लूट रहे हैं। तो उनके मध्य प्रदेश का कितने गांव का ये मामला है? ये पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे मध्य प्रदेश में। तो उसके तो मैं एमपी अध्यक्ष से ही हूँ, तो मैंने गांव-गांव जाके
जिले जिले में जाके मैंने सब समस्या का हल निकाला तो मेरे खिलाफ औरत को खड़ी कर देते हैं और औरत के खिलाफ हमारे पे झूठा मुकदमा लगवा देते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। मेरा नाम दीपू पंवार, प्रदेश अध्यक्ष बजरंगपुरा जिला इंदौर से। था चली आई थी पंचायत करते थे वो लोग, पंचायत में दोनों पार्टी से पैसे ऐटे जाते थे और उसमें लूटपाट मचा रखी थी। तो उसमें हम सभी लोगों ने, युवा लोगों ने मिलके एक बैठक करवाई थी। बैठक अपने पान बिहार उज्जैन जिले में पान बिहार ग्राम में बैठक करवाने के बाद में हमारे जो पुराने पंच पटेल थे उन पंच पटेलों ने पटलाई छोड़ दी। छोड़ने के बाद में सभी ग्रामों से बोला गया था कि भाई आपके अपने अपने ग्राम से 12-12 जने की समिति बनवाओ और वो समिति समाज के ऊपर काम करेगी, बच्चों को पढ़वाएगी, पेड़ पौधे लगवाएगी, जो भी समाज का काम है वो काम करेगी। उसके बाद में कुछ लोग जो लूटपाट मचा रखी थी पंच पटेलों ने, वो पंच पटेल वापिस डबल से बन चुके हैं। कुछ लोग बन चुके हैं पटेल, अवैध रूप से वापस पंचायत कर रहे हैं, उस पर हम रोक लगाना चाहते हैं। आप अधिकारी हैं, आए थे, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन इस बात का दिया था कि हमारे अध्यक्ष हमारे जो अध्यक्ष है दीपू, इनको हमने क्या बोला था हमारे पंच पटेलों ने, भाई 12-12 जने की टीम आप बनवाओ, तो ये लोग सभी गाँव में जाके 12-12 जने की टीम बनवा रहे थे। आश्वासन दिया साहब ने? सिकंदर नाम है मेरा। और पाली समाज की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए थे, आपको ज्ञापन दिया है, क्या मांगे? आप बजरंगपुरा के कुछ लोग हमारे पास आए थे पाली समाज के, और उनका एक सामाजिक इश्यूज है, उनकी समस्या है, समाज की एक समस्या है, जो परंपरागत रूप से वो पंचायत में कुछ चीज़ों का फैसला करते थे, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, उस चीज़ों को लेकर वो हमारे पास आए थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो चीज़ें हैं उसकी हम जांच करवा लेंगे और जो भी चीज़ें हो सकती है कानूनी रूप से अगर कोई कार्रवाई की जरूरत होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।